आज के ज़माने में बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। जब हम सुनते हैं कि कोई बच्चा 17 साल का 18 साल का किसी स्कूल में जाके अपने ही दोस्तों के ऊपर गोली चला देता है, 10-15 बच्चे यू नो दे लॉस्ट देयर लाइव्स, तो बहुत ही दुख होता है। एजुकेशन की बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि एजुकेशन सिस्टम में हमें परिवर्तन लाना चाहिए। अमेरिका से ज़्यादा अच्छा एजुकेशन सिस्टम मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कहीं है। सभी लोग पूरे विश्व से यहाँ आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, और सारे बच्चे हों चाहे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हों, हमारे भारत इंडिया से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं पे कुछ डिफ़िकल्टी लगती है। बच्चों को शायद कुछ और भी एक चीज़ों की कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। आप उस पर थोड़ा उल्लेख करेंगे कि कैसे एजुकेशन सिस्टम तो जो हम स्कूल में पढ़ते हैं वो एक है, पर उसके अलावा क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं एज अ सिटीज़न, जैसे हम एक कम्युनिटी मेंबर हों या हम मैं भी दो बच्चों की माता हूँ, हम क्या कर सकते हैं कि ताकि आगे चल के उन्हें भी एक पीस मिले लाइफ में। बहुत ही सुंदर प्रश्न सीजीआई बहन नीता जी ने उठाया है, और यही मूल प्रश्न है। वो बेशक निश्चित रूप से अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा है, और यही कारण है कि हमारे देश से भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर आते हैं। किंतु मैं साथ में एक बात कहना चाहूँगा, जितना भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, मैंने उसको समझने का प्रयास किया है, वो शारीरिक शिक्षा पर ध्यान दे रहा है, वो बौद्धिक शिक्षा पर भी ध्यान दे रहा है, किंतु उसके साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट जब तक उसका प्रावधान नहीं जुड़ता है, आज यहाँ अमेरिका में भी गन वायलेंस की समस्या है। हम देखते हैं छोटी एज का बच्चा स्कूल में गन लेकर के पहुंच जाता है, और मैंने वही उसी बात को छूने का प्रयास किया था कि जब जब व्यक्ति का हमें जो ये टुकड़ों टुकड़ों में हिंसा दिखती है ना, कभी जातिवाद के नाम पर, कभी वर्णवाद, कभी रंगवाद, कभी नस्लवाद, है ना, लेकिन उसका रूट कॉज है जब जब व्यक्ति का एनिमल ब्रेन जागृत होता है तब तक वो पार्श्विक वृत्तियों की ओर आगे बढ़ता है। अपेक्षा है उस एनिमल ब्रेन को तिरोहित किया जाए, अपेक्षा है बौद्धिक और शारीरिक शिक्षा के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट अगर इस प्रावधान को जोड़ा जाता है तो मुझे लगता है कि आज की दुनिया की जो समस्या है, डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, किंतु अच्छे आदमी का निर्माण कैसे हो, अच्छे इंसान का निर्माण कैसे हो, और अच्छा इंसान तभी है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, उस अच्छे इंसान के निर्माण के लिए हमें इसी शिक्षा के अंदर वैल्यू एजुकेशन को भी ऐड करना होगा। और जब हम मूल्य आधारित वैल्यू एजुकेशन को ऐड करेंगे तो मुझे लगता है कि जड़ से हिंसा की समस्या या समाज में जो विकृतियां हैं उनका समाधान हो सकेगा। मैं बहन नीता जी ने तो बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया ही, आपसे भी कहना चाहता हूँ, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो आप बिल्कुल झिझक दिए मई बिल्कुल जो है निसंकोच रूप से प्रश्न उपस्थित कीजिए, और मैं यथासंभव कोशिश करूंगा आपके प्रश्न का समाधान देने की। मेरा सवाल तो नहीं है लेकिन एक कमेंट है। बताइए। वो ये है कि मैंने जैन मत को पढ़ा, मैंने बुद्धिस्ट को पढ़ा, मेरा हर वक्त के साथ ताल्लुक भी है, तालीम सब की एक ही है कि अमन कायम करना, मोहब्बत, प्यार, लेकिन अगर हम सब इकट्ठे हों, बातें करें, इससे और ज़्यादा मोहब्बत बढ़ेगी, बजाय इसके कि किसी के इख्तलाफात पर जाएं, उसकी जो अच्छी बातें हैं अच्छी अगर जिक्र करेंगे तो उससे भी और मोहब्बत बढ़ेगी। आप अपना परिचय। मेरा नाम मोहम्मद जफरुल्ला है और मैं इमाम अहमदिया मुस्लिम कम्यूनिटी शिकागो में, अभी मेरे 6 महीने पहले यहाँ पोस्टिंग हुई। जैन मत का मेरा ह्यूस्टन में ताल्लुक था, 10 साल मैं वहाँ रहा हूँ, फिर मैं एलए में गया, एलए में भी मेरा जैन मत वालों के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक रहा, मुझे सारे जानते हैं, अभी मैं नया यहाँ आया। पाकिस्तान से अहमदिया मुस्लिम हमारे हम ये हमेशा इंटरफेथ करते रहते हैं, बुलाते हैं, पिछली दफा हमारे काउंसलर जनरल साहब भी तशरीफ जी मैं इनके इफ्तार फंक्शन में हो गए। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि
या आप इंटरफेथ में रुचि रखते हैं, और इस समय मुझे लगता है कि दुनिया को सर्वाधिक जिस चीज की जरूरत है, क्योंकि हिंसा और आतंकवाद किसी समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रू डायलॉग के द्वारा हम हर समस्या को सुलझा सकते हैं। और भगवान महावीर ने जिसे अनेकांत दर्शन कहा, सबसे पहले अहिंसा का भी शुभारंभ मैं समझता हूं हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें, हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों को आदर करना सीखें, क्योंकि मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद, ये सब स्वाभाविक हैं, और लोकतंत्र में तो मतभेद को भी विकास का माध्यम माना गया है। किंतु मतभेद जब मन भेद का रूप धारण करता है तब समस्या उत्पन्न होती है। मुझे ये भी अच्छा लगा कि शिकागो जैसे शहर के अंदर मौलाना साहब इंटरफेथ में रुचि रखते हैं, और उन्होंने बताया कि वो पहले कैलिफोर्निया में थे। मैं उन्हें ये भी सूचना देना चाहूँगा कि अगले वर्ष कैलिफोर्निया एलए में लॉस एंजलिस के अंदर जैना कन्वेंशन होने जा रहा है। मेरी कल ही जैना कन्वेंशन के कन्वीनर महेश भडेर जी से बात हुई, और हमने मिलकर के ये निर्णय किया कि इस बार के जैना कन्वेंशन में हम एक इंटरफेथ डायलॉग का सेशन रखेंगे, जिससे कि हम दूसरे धर्मों के साथ विचारों का आदान प्रदान, हम अपने धर्म का ईमानदारी पूर्वक पालन करें किंतु दूसरे धर्मों का भी सम्मान करें, आदर करें, यही हमारी भारतीय संस्कृति है। मुझे कहते हुए इस बात की जरूर खुशी है, अभी जिस अहिंसा विश्व भारती का फोल्डर भाई राहुल ने और भाई विकी ने हमारी बहन नीता भूषण जी को दिया, उस अहिंसा विश्व भारती का शुभारंभ ही जो है आपके इसी विचार को लेके हुआ था। मैं हिंदुस्तान के संदर्भ में कहा करता था कि वहां पर राजनीतिक पार्टियां कभी 15-20-25 दल मिलकर के, कभी एनडीए के नाम से, कभी यूपीए के नाम से, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके 5-10-15 साल तक साथ में सरकार चला लेते हैं। तो सभी धर्मों के धर्मगुरु मिलके काम क्यों नहीं कर सकते? भला हमारी केवल एक उपासना प्रणाली अलग है, बाकी तो सभी समानता है। कौन अहिंसा में, शांति में, सद्भावना में, प्रेम में, भाईचारा में, मोहब्बत में, अमन में विश्वास नहीं करता है? कौन कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ नहीं है? कौन पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ नहीं है? और बल्कि मैं बहन नीता जी कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कुछ प्रदेशों में गर्भ में बच्चियों को मारने के कारण से बालक बालिका जन्म दर में बड़ा इम्बैलेंस उत्पन्न हुआ। तो मैंने एक सर्वधर्म जनचेतना जागरण यात्रा निकाली गुजरात के टंकारा से लेकर के, और मैं अमृतसर के अकाल तख्त तक लेके गया उसको, और मेरे उस यात्रा में सभी धर्मों के धर्मगुरु एक साथ थे। क्यों? क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या की समस्या किसी एक जाति या संप्रदाय की नहीं है, और वह इतना इम्बैलेंस के कारण से अगर उसको समय रहते नियंत्रित नहीं करें तो जो है मानसिक विकृतियां बढ़ेगी, नैतिक चारित्रिक मूल्यों का पतन बढ़ेगा, और अल्टीमेटली समाज में हिंसा और अराजकता बढ़ेगी। तो धर्मगुरु अगर मिलकर के काम करते हैं तो उसका परिणाम और अधिक अच्छा होता है। हम प्रयास करेंगे कि जैसा मैंने वहां पर क्रम शुरू किया है यहाँ पर भी, और मैं चाहूंगा मैं आपके आपका सारा संपर्क का माध्यम ले लूंगा कि जिससे जैना कन्वेंशन के समय हम साथ बैठ करके इस दिशा में कुछ यहाँ ठोस ऐसा मंच तैयार करें, क्योंकि जहां कहीं भी समाज में ऐसी समस्या हो, भैया मान लीजिए जैसे हमने किया मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए तो मैं इंग्लैंड में था, और मैंने अपनी यात्रा बीच में स्थगित करके मैं वहां पर पहुंचा, हमारे चीफ इमाम ऑफ इंडिया को मैंने साथ लिया, हमारे स्वामी चिदानंद सरस्वती परमार्थ निकेतन के, और हम मुजफ्फरनगर के उन कैंपों में पहुंचे, तब तक कोई नहीं पहुंच पाया था, कर्फ्यू के बीच में हमने वहां पर जाकर के हिंदू मंदिर में हमने मस्जिद के अंदर मीटिंगें की, सबसे साथ में लेकर के समझाने का प्रयास किया कि रोटी के लिए भी शांति आवश्यक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि डेवलपमेंट के लिए भी जब तक सद्भावनापूर्ण एटमोस्फियर नहीं होगा तो इन्वेस्टर भी नहीं आएंगे, इन्वेस्टर भी तभी आएंगे जब शांति और सद्भावना का माहौल होगा। इसी तरह से कोरोना के समय में तो हम मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके इस प्रश्न से।